हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे सेल एंड बैटरी, और सेल एंड बैटरी से जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछा हुआ है सभी को इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में तक जरूर बने रहिएगा, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, सीरीज में लगे 5 कार्बन जिंक सेल का आउटपुट कितना होगा। एक कार्बन सेल का कितना हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा, और कितना कार है, यानी कि 5 कार है, और 5 को यानी कि मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो यानी कि जो आउटपुट आएगा वो निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 × 5 और 5 × 2 = 7, यानी कि 7.5 वोल्ट आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा आउटपुट, 7.5 वोल्ट हो जाएगा, 7.5 वोल्ट हो जाएगा। ए में दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट का यानी कि ओनली फॉर एक सेल होगा, क्या हो जाएगा, एक सेल होगा 1.5 वोल्ट का, लेकिन 5 कह रहा है तो सीरीज में उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि टोटल आउटपुट वोल्टेज निकल के चला आएगा, ठीक है ना। तो बी में जो दिया हुआ है 7.5 वोल्ट, तो राइट आंसर की बात किया जाए, कैलकुलेशन करने के बाद 7.5 वोल्ट आया है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन से सीरीज में लगे 5 कार्बन जिंक सेल का आउटपुट कितना होता है, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन से कितना हो जाएगा, यानी कि 7.5 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ड्राई सेल का यानी कि जिंक कार्बन सेल का जो वोल्टेज होता है, आउटपुट होता है 1.5 वोल्ट होता है, और साथ ही साथ कह रहा है यानी कि 5, ठीक है ना। 5 को अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.5 से, यानी कि ला के देगा आपको 7.5 वोल्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निकिल आयरन सेल में सक्रिय पदार्थ निकिल हाइड्रोक्साइड तथा निकिल के सल्क डैश में पैक होते हैं, ठीक है। और दोस्तों, यानी कि ये जो पैक होता है ना, ये पैक होता है एकांतर परत में। किस में पैक होता है, एकांतर परत में पैक होता है। ऑप्शन किस में दिया, एकांतर परत, ऑप्शन ए में करा यानी कि डाउन परत, तो डाउन परत में पैक नहीं होता है, ये एकांतर परत में पैक होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया, एकांतर परत। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, लेड एसिड प्रकार बैटरी का एक एक्सकुलेटर में, ठीक है, एक्यूमुलेटर है और अन्य प्रकार होता है, ठीक है ना। तो ए में कह रहा है यानी कि क्षारीय बैटरी, तो क्षारीय बैटरी क्या है दोस्तों, यानी कि क्षारीय बैटरी नहीं होता है। बी में जो दिया हुआ है क्षारीय और सौर बैटरी, तो क्षारीय और सौर बैटरी भी नहीं होता है, ठीक है। और सी में दिया निकिल कैडमियम और निकिल लोहा बैटरी, ये यानी कि ये होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, जो होता है ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सीसा अम्ल बैटरी में प्रयुक्त ऋणात्मक प्लेट डैश द्वारा निर्मित होता है, ठीक है, यानी कि लेड एसिड सेल में, ठीक है। लेड एसिड सेल में जो यानी कि ऋणात्मक प्लेट होता है, कौन सा प्लेट, यानी कि ऋणात्मक प्लेट जो होता है किसके द्वारा निर्मित होता है, तो लेड एसिड सेल की बात है। और ये जो दोस्तों यानी कि निर्मित होता है, ठीक है, ये होता है शुद्ध सीसा से, यानी कि शुद्ध प्योर यानी कि सीसा होना चाहिए, शुद्ध सीसा से यानी कि निर्मित होता है। ऑप्शन किस में दिया है, शुद्ध सीसा, ए में कह रहा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से निर्मित नहीं होता है, ये जो होता है शुद्ध सीसा से निर्मित होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। सी में जो दिया है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है NHCl, इसको ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि एक सीसा अम्ल बैटरी को निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य को मिश्रित करके बनाया जाता है ना, क्या क्या मिलाया जाता है बनाने में, अपघट्य बनाने में, वो उसके बारे में पूछ रहा है ना। ए में कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नहीं करते हैं भाई, नहीं बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को, इसका इससे भी नहीं बनाते हैं। सी में दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल को, इससे नहीं बनाते हैं। डी में दिया जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को, है ना, जल में क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है, जिसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में दिया है जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया, क्षारीय सेलों में एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक क्षार और डैश होती है, है ना, क्या होता है क्षार के साथ साथ, वो हमको बताना है। और देखिए दोस्तों, यानी कि क्षार के साथ साथ, ठीक है, यानी कि क्षार के साथ साथ जो होता है निकिल आयरन या निकिल कैडमियम प्लेट होता है, कौन सा, निकिल आयरन के साथ साथ यानी कि निकिल कैडमियम होता है। ऑप्शन किस में दिया, ए में कहा सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है।
ना लेड एसिड होता है, ना लेड सल्फेट होता है, ये जो होता है दोस्तों निकिल आयरन या निकिल कैडमियम प्लेट होता है, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आगामी प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड बैटरी को एक अवगुण है, यानी कि लेड एसिड बैटरी में अवगुण क्या है, है ना, यानी कि अवगुण जो है वो हमको बताना है, अवगुण के बारे में पूछ रहा है और अवगुण बताना है। ए में करा शॉर्ट सर्किट, बी में करा इसका ईएमएफ स्थिर रहता है, सी में करा इसे बार बार चार्ज किया जा सकता है, डी में करा इसका करंट यानी कि स्थिर करंट। तो देखिए दोस्तों अवगुण की बात है, और अवगुण जब हो तो यानी कि कुछ जो जिसे नुकसान पहुँचे वही होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ए बी सी और डी की अपेक्षा, यानी कि ए में जो दिया यानी कि शॉर्ट सर्किट दिया हुआ है, और शॉर्ट सर्किट से क्या नुकसान होने वाला है, और जब अवगुण है भाई तो नुकसान ही वाला टिक करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल के किस मान पर प्लेट के सल्फेशन का प्रभाव लेड एसिड सेल में होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल का कहला यानी कि ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दोस्तों यानी कि 1.8 वोल्ट से यानी कि कम, किस पे, इससे यानी कि कम हो तो क्या होगा, यानी कि सल्फेशन का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है जब 1.8 वोल्ट से कम हो। ऑप्शन किस में दिया 1.8 वोल्ट से कम, ऑप्शन ए में दिया 1.8 वोल्ट से कम। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जबकि बी में दिया 2.8 वोल्ट से अधिक, तो अधिक वाला होगा नहीं, और ये जो होगा दोस्तों 1.8 वोल्ट से कम जब होगा तब क्या होगा, सल्फेशन प्रभाव उत्पन्न होने लगेगा सेल में। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न है, किसी द्रव माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहेंगे भाई उसको, क्या कहते हैं, ठीक है, इसको दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रो यानी कि लिसिस कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया है इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर दोस्तों यानी कि क्यू बट्टा टी होता है। क्या होता है, आई बराबर क्यू बट्टा टी होता है। वहीं पर इसका एसआई यूनिट की बात किया जाए तो एम्पियर भी हो जाएगा, साथ ही साथ कूलम प्रति सेकेंड भी हो जाएगा, एम्पियर भी हो जाएगा और कूलम प्रति यानी कि सेकेंड हो जाएगा। जो ऑप्शन में है वो देखेंगे और टिक करेंगे, एक नंबर आ जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नियम के सत्यापन के लिए तांबा और रजत वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए तांबा साथ ही साथ रजत, उसके साथ क्या कह रहा है, रजत के मतलब क्या यानी कि सिल्वर, और ये जो वोल्टमीटर में जो उपयोग किया जाता है फैराडे का दूसरा नियम, क्या, फैराडे का सेकेंड लॉ, ठीक है, फैराडे सेकेंड लॉ। ऑप्शन किस में दिया है फैराडे का दूसरा नियम या सेकेंड लॉ, ए में करा फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, तो दाहिने हाथ से कोई मतलब नहीं है, ना फैराडे का पहला नियम से मतलब है, ना ओम का नियम से मतलब है, ठीक है, ये जो है दोस्तों यानी कि फैराडे का दूसरा नियम से यानी कि इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्षारीय सेलों में निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल पाउडर का इस्तेमाल डैश के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि क्षारीय सेल जो होता है, क्षारीय सेल जो होता है इसमें जो माने कि निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल पाउडर का जो इस्तेमाल होता है किस रूप में करते हैं। देखिए दोस्तों इसका जो इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो रूप होता है धनात्मक, ठीक है, यानी कि धनात्मक प्लेट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, धनात्मक प्लेट के रूप में उपयोग करते हैं। ए में करा चार्जर, तो चार्जर के रूप में नहीं उपयोग किया जाता है, न ऋणात्मक रूप में उपयोग करते हैं, न इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है, धनात्मक प्लेट के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, धनात्मक प्लेट। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी तरल में दो सुवाहक प्लेट डुबोई जाती है ताकि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो इसे डैश कहा जाता है, है ना। देखिए दोस्तों यानी कि प्रवाहित वाली बात कह रहा है, और जब इससे प्रवाहित होगा तो इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। इलेक्ट्रोड को ही क्या करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में यानी कि डुबाया जाता है, और जब डुबाने की बात है भाई तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। ऑप्शन किस में दिया है इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में दिया है इलेक्ट्रोड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, लेड एसिड बैटरी में अति भारण और अति निर्वहन के परिणाम स्वरूप डैश होता है। क्या कारण, अति भारण और अति निर्वहन, ठीक है, यानी कि ज़्यादा यानी कि चार्ज करना और बहुत जल्दी उसको डिस्चार्ज करना, ऐसे अगर करेंगे तो इस स्थिति में कौन सा दोष उत्पन्न होगा वो हमको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों इस स्थिति में यानी कि बकलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है,
बकलिंग हो जाता है, ठीक है, बकलिंग प्रभाव देखने को इसमें मिलता है। कौन सा प्रभाव? बकलिंग प्रभाव देखने को मिलता है। ए में दिया है बकलिंग प्रभाव, राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आगामी प्रश्न, लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहे से बने सेल डैश होता है ना, क्या होता है? लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहे से बने जो सेल होता है उस पे यानी कि क्या होता है दोनों में अंतर, वो अंतर को स्पष्ट करना है इसमें, है ना। ए में दिया हुआ है कि दक्षता कम होती, एकदम से कम होता है भाई इसका, यानी कि लेड एसिड की अपेक्षा निकिल लोहे से बने जो सेल होता है इसका दक्षता कम है, पहला तो ऑप्शन सही है। बी में कह रहा है दक्षता ऊँच होता तो उतना ही होता है, आंतरिक प्रतिरोध कम, आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता है, लेड एसिड की अपेक्षा ज़्यादा होता है। में निरंतर ईएमएफ, निरंतर ईएमएफ भी नहीं होता है, लेड एसिड में निरंतर ईएमएफ होता है। तो ऑप्शन जो ए में जो कह रहा है कि दक्षता कम होता है ये भाई सही है, क्योंकि निकिल का जो दक्षता होगा कम होगा लेड एसिड की अपेक्षा, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा क्योंकि ए में दिया है दक्षता कम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगामी प्रश्न आज का है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैटरी को इमरजेंसी लाइट में उपयोग किया जाता है? किसमें? इमरजेंसी लाइट में, इमरजेंसी लाइट में। और इमरजेंसी लाइट में दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है लेड एसिड सेल का, किसका? लेड एसिड सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है लेड एसिड सेल? ऑप्शन बी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है, है ना, यानी कि ऊर्जा को जो स्टोर किया जाता है समझिए, यानी कि जमा जो किया जाता है यानी संग्रहित किया जाता है किस रूप में होता है? देखिए दोस्तों ये जो होता है यानी कि केमिकल एनर्जी, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बी में दे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी, सी में दे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, डी में दिया है यानी कि चार्ज एनर्जी। तो दोस्तों यानी कि इसमें जो संग्रहित होता है ना, इसमें जो संग्रहित किया जाता है ये ओनली फॉर केमिकल एनर्जी के द्वारा, यानी कि रासायनिक क्रिया के द्वारा या रासायनिक ऊर्जा के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है, तो सेम ही प्रश्न है, इसको संग्रहित करते हैं यानी कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है बिहार TET2 में बैच 2 यानी कि शिफ्ट सेकेंड में आया हुआ है 27/11/2018 को, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। और इससे पहले जो पूछा हुआ था ये भी बैच 2 में आया था लेकिन 4/11 को था, यानी कि 4 तारीख ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है यानी कि 27/11 को पूछा हुआ है। तो समझिए कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होता है सेम ही एग्जाम में, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।